हेलो एवरीवन मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू एच आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास टेन हिस्ट्री के चैप्टर वन के पार्ट टू को शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वन का पार्ट वन अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास टेन हिस्ट्री का एक सेपरेट प्ले भी क्रिएट कर दिया है प्ले का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जो लोग नए आए हैं वहां से पार्ट वन के लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एनसीआरटी के बुक्स को आप एनसीआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं चैप्टर वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर वन के पार्ट वन को कवर कर लिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वन के पार्ट वन के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आज हम लोग चैप्टर वन के पार्ट टू को कवर करेंगे इसमें हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में समझेंगे तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार the first clear expression of nationalism came with the french revolution in 1789 1789 में french revolution के दौरान nationalism को clearly express किया गया राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई फ्रांस as you would remember was a full fleshed territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch हमने पढ़ा था कि 1789 में पूरे फ्रांस में एब्सुल्यूट मोनार्क का शासन था जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था द पॉलिटिकल एंड कंस्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए उसने मोनार्की के हाथ से पावर छीन कर फ्रेंच सिटीजन के हाथ में ट्रांसफर कर दिया लेकिन इससे डेमोक्रेसी नहीं आई यहां पे भी लोग अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे थे फ्रांसिसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हे कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी इस रिवॉल्यूशन में यह घोषणा की गई कि अब लोगों के द्वारा इस राष्ट्र का गठन होगा और लोग ही इस राष्ट्र की डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे अब मोनार्की का कोई रोल नहीं होगा तो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे

पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड एक नए फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर ने पुराने रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग की जगह ले ली अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली स्टेट जनरल का चुनाव एक्टिव सिटीजन के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया स्टेट जनरल के बारे में हमने डिटेल में क्लास नाइन में समझा है इवन पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही बहुत ही डिटेल में हमने क्लास नाइन में समझा है आप वो वीडियोस देख सकते हैं स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया न्यू हाइम्स वेयर टेकन एंड मार्टर्स ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन नेशन के नाम पर हाइम्स कंपोज किए गए शपथ लिए गए शहीदों का गुणगान किया गया नई स्तुतियां रची गई शपथें ली गई शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ सेंट्रलाइज एडमस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन द्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की व्यवस्था की गई जिसने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए खत्म कर दिया गया और नए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लागू किए गए फ्रांस के अलग अलग रीजन में लोकल चीफ्स का राज हुआ करता था क्लर्जी नोबेलिटी का अपना अपना अलग अलग इलाका था उनके एरिया में ट्रेड करने पर वे टैक्स मांगते थे तो इस प्रकार के बहुत सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूस को खत्म कर दिया गया यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का मतलब है पूरे देश में सामान खरीदने बेचने के लिए वेट्स की यूनिट सेम हो फ्रांस में वेट्स को यूनिफॉर्म किया गया आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटर्न इन पैरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन क्षेत्रीय बोलियों को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो कि केवल पेरिस में बोली और लिखी जाती थी उसे पूरे नेशन का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म इन अदर वर्ल्ड टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस रिवॉल्यूशनरीज ने घोषणा की कि फ्रेंच नेशन का यह डेस्टिनी और मिशन है कि वे यूरोप के लोगों को डिस्पोटिज्म निरंकुश शासकों से मुक्त कराए दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के दूसरे लोगों को नेशन के रूप में ढलने में मदद करेगा मोनार्की को खत्म करेगा क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा when the news of the events in france reached the different cities of europe students and other members of educated middle classes began setting up jacobian clubs जब फ्रांस में हुए घटनाओं की खबर यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में पहुंची तो वहां के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स ने जैकोबियन क्लब्स सेटअप किए जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गो के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. उनकी एक्टिविटीज और campaigns ने फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता तैयार किया जो सेवनटीन में हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड रिवोल्यूशनरी वॉर छिड़ जाने के बाद फ्रेंच आर्मीज नेशनलिज्म के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी विद इन द वाइट स्वैद ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही फ्रांस नेपोलियन के कंट्रोल में जो विशाल क्षेत्र आया उसमें उसने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिन्हें बहुत पहले ही फ्रांस में आरंभ किया जा चुका था नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड टे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशियंट नेपोलियन ने वापस मोनारकी लाकर फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया मतलब जिस रिवोल्यूशन के कारण मोनार्की खत्म हुई उसी रिवोल्यूशन का फायदा उठाकर ताकत जुटाकर नेपोलियन वापस से मोनारकी ले आया बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कई रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जिससे पूरा सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट और रैशनल हो सका फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके द सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो फोर यूजली नोन एज दिड अवे विद ऑल दिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी कोड, जिसे नेपोलियोनिक कोड भी कहा जाता है उसमें जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे मतलब आप कितने भी अमीर घर में पैदा हो जाओ आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे उसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ को एस्टैब्लिश किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया मतलब कॉमन मैन से उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी देखिए यह सब करना नेपोलियन की मजबूरी भी थी क्योंकि वो वापस से मोनार्की को स्टैब्लिश कर रहा था तो उसको पता था कि वापस से लोग विद्रोह कर सकते हैं तो ये थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाकर वो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड इन इटली एंड जर्मनील ड्यूज इसको फ्रेंच कंट्रोल के अंडर आने वाले रीजन में भी लागू किया गया जैसे डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड इटली जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन को सिंप्लीफाई किया और फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया और किसानों को सब डम यानी भूदासत्व और मैनोरियल ड्यूज यानी जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई इन द टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शहरों में भी गिल्ड मतलब ट्रेडिंग कारीगरों के श्रेणी संघों के रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया पीजेंट आर्टिजेंट्स वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम वर्कर्स न्यू बिजनेसमैन इस नए फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि पहले इनको बहुत दबाया जाता था किसानों कारीगरों मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मिशर्स एंड द कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनादर बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को समझ में आने लगा था कि यूनिफॉर्म लॉस स्टैंड कॉमन नेशनल करेंसी के चलते वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट आराम से कर पाएंगे उद्योगपतियों और खास तौर पर समान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे की एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी हाउ एवर इन द द रियक्शन टू फ्रेंच रूल लेकिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था वहां के लोकल पॉपुलेशन की फ्रेंच रूल के प्रति मिक्सड रिएक्शन थी लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी इनिशियली

कि मोनार्कियल रूल सही नहीं है शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेन्स मिलान और वार्सॉ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया बट द इनिशियल एंथसियाजम सोन टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम लेकिन यह शुरुआती उत्साह जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया जब यह क्लियर होने लगा कि यह नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं है लोगों ने जिस लिए रिवॉल्यूशन किया था उन्हें वही नहीं मिला मतलब उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप

सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे देखिए एक जर्मन अल्मनाक का कवर है यानी जर्मन पंचांग का कवर है जिसे 1798 में एक जर्नलिस्ट आंद्रियास रेबमैन ने डिजाइन किया था इसमें फ्रांस के वास्तिल को दिखाया गया है कि कैसे रिवॉल्यूशनरी क्राउड ने वास्तिल में प्रवेश किया और बगल में जर्मन प्रोविंस कैसेल में एक फॉल्ट को दिखाया गया है जहां डिस्पोटिक रूल था इसका स्लोगन था कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए रेबमैन जर्मन जेकोबियन ग्रुप का का एक मेंबर था 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 जो मेन्स में में रहता उसका कहने का मतलब यह कि फ्रांस के बास्तिल में जैसे रिवोल्यूशनरी क्राउड ने क्रांति करके अपनी आजादी ली वैसे ही दूसरे जगहों पे भी ऐसे ही लोगों को क्रांति करनी होगी और अपनी आजादी अपने हाथों में लेनी होगी इस इमेज में जेब्रिकन जर्मनी में लिबर्टी ट्री के प्लांटेशन को दिखाया गया है जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्स ने इस चित्र को बनाया है और दर्शाया है कि फ्रेंच आर्मी ने स्वेब्रिकन टाउन पर कब्जा किया है फ्रेंच आर्मी के ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म से पहचा पहचाने जाने वाले सैनिकों और उनके दमनकारी रूप को प्रस्तुत किया है इस इमेज में देखिए फ्रेंच आर्मी यहाँ पे लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जर्मन में एक नोट लिखा हुआ है जिसका ट्रांसलेशन है कि हमसे आजादी और समानता ले लो ये मानवता का आदर्श रूप है यह फ्रांसिसियो के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे देखिए इस इमेज में नेपोलियन को 1813 में लेब्जिक की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए एक पोस्टमैन की तरह दर्शाया गया है उसके बैग से जो लेटर्स गिर रहे हैं उसमें उन टेरिटोरीज के नाम है जिन्हें वो हार चुका है तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर वन के पार्ट थ्री को कवर करेंगे मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में गुड डे टू एवरी जय हिंद